खबरों की नई पहचान। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रमेश पांडे ने बरवड्डा थाना में पहुंचकर गुरुवार को हंगामा किया। रमेश पांडे का आरोप है कि बुधवार की देर रात उनके कुछ पड़ोसियों ने दारू के नशे में सुनियोजित ढंग से हथियार के साथ गाली देते हुए उनके अपार्टमेंट में आ उनके घर के समीप आकर मरने मारने पर उतारू थे। इस दौरान उनके पड़ोसी ने काफी गाली ग्लोज भी किया, जिसकी सूचना उन्होंने फोन पर रात में ही एसएसपी किशोर कौशल को दिया। मामले की गंभीरता को समझते हुए एसएसपी ने कुछ मिनटों के बाद पुलिस बल को घटनास्थल पर भेजा, जहां से शराबी भाग खड़े हुए। उसके बाद रमेश पांडे बरवड्डा थाना पहुंचकर देर रात में ही शिकायत लिख कर दिया। शिकायत के आलोक में सुबह जब रमेश पांडे थाना पहुंचे तो उन्हें मालूम चला कि उनके द्वारा दर्ज शिकायत में प्राथमिकता दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद वह लोग अपने परिवार समेत थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। बाद में थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर रमेश पांडे को समझाया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया तो मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस जांच करने की बात कर जी। कल रात में 10:30 बजे के करीब अपार्टमेंट मेमको मोड़ में मातोश्री टावर है, जो कि वहां पे 2-4-5 लोग थे, जो इसमें सुभाष ठाकुर और आपका एक नाम लड्डू सिंह है जो झरिया का है। सुभाष ठाकुर जो हैं आपके मेमको मोड़ में ही रहते हैं। कल रात में दारू के नशे में बंदूक पिस्टल लेके लाठी लेके मेरे अपार्टमेंट के नीचे खड़ा होकर अभद्र अभद्र गालियाँ दे रहे थे हमको, और उसके बाद उसका रहे थे कि घर से आप बाहर निकलिए। और बंदूक को देखने के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकले, एसएसपी साहब को संपर्क किए और एसएसपी साहब ने तत्काल वहाँ पे 10 मिनट के बाद प्रशासन भेजा। तब तक वो लोग यहाँ से भाग चुके थे। उसके बाद हमने आके बरवड्डा थाना में लिखित शिकायत नेम्ड एफआईआर करने के लिए दिया, तो उस समय हमको रिसीविंग नहीं दिया गया। उसके बाद बोला गया सुबह एफआईआर का कॉपी डायरेक्ट आपको दिया जाएगा। एफआईआर का कॉपी भी नहीं दिया गया है, ना एफआईआर किया गया है, ना दोबारा पुलिस गया। रात में पुलिस वहाँ पर गया था तो वहाँ पर डोर बेल बजा रही थी पुलिस, दो बार डोरबेल बजाई नहीं खोला, तो वो पुलिस वहाँ से वापस चले गए कि सुबह कार्रवाई होगा। और अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो खुलेआम घूम रहा है रोड पर और धमकी देते चल रहा है, सबको सुनाते चल रहा है कि हम जाके कल रात में रमेश पांडे के आवास के बाहर ऐसा ऐसा करके आए हैं, सभी लोग को बोलते चल रहा है। वो आपने जो है बरवड्डा थाना में हो हंगामा भी कर रहा है जी। बरवड्डा थाना में हो हंगामा इसलिए हो रहा है कि आप एफआईआर क्यों नहीं किए। एफआईआर मान लीजिए कि हम केस करने आए हैं, अगर हमको गोली लग जाएगा, कोई मार देगा, उसके बाद आप एफआईआर कीजिएगा, उसका इंतजार कर रहे हैं, ना पुलिस कार्रवाई कर रही है ना उसके पास जा रही है, जबकि उनके अधिकारी ही खुद कह रहे हैं कि सुबह से मेरा पुलिस एक बार भी वहां क्यों नहीं गया। कल एक लड़ाई का मामला आया हुआ था, रमेश पांडे जी आवेदन दिए हैं, जाँच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर रात में आवेदन दिया गया लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है सर। एफआईआर होने में थोड़ी सी विलम्ब हुई है अभी, जांच चल रही है। आवेदन दिया गया है तुरंत, अपने फायर नहीं किया, जांच चल रही है। क्या शिकायत में सर क्या दिया गया उसमें? उनके द्वारा दिया गया कि उनको गाली गलौज किया गया है, कट्टा चमकाया गया है सर। जी गाली गलौज किया गया है। आखिर वो व्यक्ति कौन है सर जो चमकाया? अंशु ठाकुर करके कोई है, यहाँ रहते हैं, बरोडा में रहते हैं। तो उनके भी तलाशी ली जा रही है, घर में कल रात को भी गया था, दोनों घर में खिलाफ पाए गए थे। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है जी। तो सर बिना अभी एफआईआर किए ही पुलिस दबिश दे रही है सर, क्यों दे रही है सर? Thank you.